थाना विधायक हर्ष विजय गहलोत तथा अलोड विजय विधायक जहां पर मनोज चावला विधायक पूर्व पार्षद सकलेचा कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता आज मेडिकल कॉलेज पहुंचे, वहां जायजा लिया उन्होंने जाकर और मरीजों के साथ मुलाकात की और पीपीटी किट पहनकर जहां पर चर्चा की, साथ ही मेडिकल कॉलेज डीन से भी चर्चा की। मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं को लेकर काफ़ी कुछ प्रश्न चिन्ह उठाए, मरीजों के उपचार के लिए अधिक बेड भी लगवाए और मरीजों को कहा कि अगर कोई भी समस्या आती है तो फ़ोन कॉल पर बताएं, उनका जल्द से जल्द निदान किया जाएगा, उपचार में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। प्राइम टीवी न्यूज़ चैनल के लिए आप देख सकते हैं खास रिपोर्ट, हरीश व्यास, रतलाम, मध्य प्रदेश। आज हमने मेरे साथ आदरणीय मनोज जी चावला, आलोक जी, वीरेन सिंह जी और हम सब लोगों ने ये मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। बहुत ज़्यादा चूँकि मरीज आ चुके हैं और मेन पावर की मुख्य रूप से यह हमको कमी देखने में आई। छोटी छोटी समस्याएं हैं, हम ये सरकार और प्रशासन के इस मुद्दे पर साथ हैं, लेकिन छोटी छोटी जो समस्याएं हैं इस कॉलेज में उनको दूर किया जाना चाहिए और इसकी जो रूपरेखा है वो प्रशासन को पहले से बना के रखनी चाहिए, क्योंकि सभी विशेषज्ञ मान रहे थे कि ये कोविड की दूसरी लहर है। उस लहर को मानकर प्रशासन ने इसकी व्यापक रूप से तैयारी नहीं की, जिससे ये आए दिन आक्रोश का सामना करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि अगर जो स्टाफ की यहाँ कमी बताई गई है हमको, उसकी कमी दूर कर दी जाए तो निश्चित रूप से हमारे रतलाम ज़िले में जो कोविड खेल रहा है उस पर हम काबू पा सकते हैं। क्या कुछ प्रयास करेंगे आप इसके लिए? इसके लिए हम और भी प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे और जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारी हैं भोपाल लेवल पे, उनसे हम बातचीत करके और इसका रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये समय इस महामारी से बचने का है, लड़ने का है और शासन प्रशासन और सरकार के हम साथ में हैं, लेकिन चूँकि हम विपक्षी हैं तो जो कमियां हो रही हैं उस पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है और प्रशासन को सरकार को जगाने की आवश्यकता है। यहाँ मरीजों को प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पा रही, आज प्रभारी मंत्री देवड़ा जी आ रहे हैं, जी हाँ जी, तो इस बारे में उसकी कमी हमको देखने में आई है कि परिवारजन जो मरीज के साथ आए हैं, जो आ रहे हैं, उनको अपने मरीज के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, उसका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या उसकी अवस्था है, इसका अभाव हमको देखने को मिला है। और मैं प्रभारी मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वो इन कमियों को देखेंगे और इसको जल्दी से जल्द पूरा करेंगे। ठीक ठीक, लगातार बढ़ रहे थे और लगातार जो उनके परिजन है उनको हंगामा यहाँ पे किया जा रहा था, इसी को लेकर माननीय हर्ष विजय गहलोत जी और हम सब लोग आज यहाँ महाविद्यालय में आए ताकि हम वास्तविकता जान सकें कि यहाँ पे वाकई में क्या हो रहा है। लेकिन हमने पूरी व्यवस्था यहाँ की देखी, बाकी में काफ़ी अव्यवस्था यहाँ पे है। यहाँ जो पेशेंट के जो परिजन है उनसे स्टाफ द्वारा या गलत व्यवहार उनसे किया जाता है, उनको संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया जाता, सबसे मेन समस्या तो ये। दूसरी समस्या है यहाँ पे स्टाफ की भयंकर कमी है, जो स्टाफ जो है वो आज 450 मरीज यहाँ पे हैं। अब जो हमने नर्सों से बात की, जो डॉक्टरों से हमने बात की, वो रात दिन भाग भाग कर काम कर रहे हैं, उनको उनने भी कहा हमको भी थकान है। और कई डॉक्टर या जो प्राइवेट वार्ड में एडमिट है, जो इस कॉलेज के डॉक्टर है, वो भी संक्रमित होकर वो भी वहाँ पे एडमिट है। तो ये स्टाफ की कमी जो है इनको पूर्ति शीघ्र अतिशीघ्र करें, या निर्णय लेने में देरी हो रही है। दिक्कत यह है, निर्णय कौन लेगा आखिर में? ये फैसला करना पड़ेगा कि इस चीज़ का निर्णय कौन लेगा। यहाँ पे निर्णय नहीं लेगा, कलेक्टर निर्णय लेगा, डीन निर्णय लेगा, प्रमुख सचिव या मुख्यमंत्री जी निर्णय लेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।